मुश्किल से हम लोग यहाँ पे अभी ड्राइव कर पा रहे हैं। ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर से ज़्यादा कवर हो चुके हैं और अभी भी हमें तकरीबन नहीं कि नई गाड़ी भीड़ थी बीस थे इनके पेटीएम में, हमने गायब कर लिए। बज रहे सुबह के 6:45 और धूप देखो। हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, बताए क्यों? This is real traveling life, guys. लैंडस्लाइड हो गया है यहाँ पे, गाड़ी हमारी बहुत ओवरहीट हो रही थी। अर्ली मॉर्निंग निकल के अपन को ये रास्ता क्रॉस करना, अभी भी हम त्रिपुरा बॉर्डर में तो घुसे ही नहीं है। रात को ट्रेवल ना करे रूट पे। हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल 13 फ्रॉम इंडिया, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और इट्स अनदर डे, हम लोग आज फिर जर्नी कर रहे हैं, कंटिन्यू जर्नी कर रहे हैं जो आपने लास्ट ब्लॉग में देखी थी। रात को मैं जहाँ तक ड्राइव कर पाया था, उसके बाद में बंटी भाई मन्नी भाई ने पूरा ड्राइव किया और आज हम लोग मॉर्निंग में यहाँ पे सिलीगुड़ी क्रॉस कर चुके हैं। अभी तकरीबन बज रहा है 1:00 और अब मैंने वापस से अपनी कमांड ले ली है और अब मुझे ये कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये लोग रात भर से ड्राइव कर रहे थे और सुबह भी ड्राइव कर रहे थे। सुबह के टाइम में ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अब कमान है मेरे और टोनी भाई के हाथ में, तो थोड़ी देर बाद में ये लोग पीछे जाएंगे, हम लोग टोनी भाई आगे आएंगे और अभी वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और मेरे साथ में इसी तरीके से बने रहो इंडिया टूर पे। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं गुवाहाटी, तो ब्लॉग में बने रहो। अपने को ऊपर जाना क्या? बज रहे हैं 4:30 और जो माहौल हो रहा है, जो मौसम हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है कि आपको देखो कितना लो लाइट हो गई है यहाँ पे। ये नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा पंगा है कि 4:30 के बाद ही होने लग जाती है। और अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं, अब हमें समझ में नहीं आ रहा ये लंच है ब्रंच है क्या है, कुछ नहीं आ रहा है कि बस अब खाना खाना है क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। तो अभी मन्नी भाई मेरा कैमरा होल्ड करके रखे क्योंकि मेरे को इतनी एनर्जी नहीं बची है कि अपने कैमरे को भी पकड़ पाओ, तो थैंक यू मन्नी भाई। बाबा आंखें भूल गए आप अपनी, आंखें भूल गया हूँ, आंखें लगा लेता हूँ, रात हो गई है, आंखें लगा लो, आंखें लगा लेते हैं, अभी चलते हैं। हमारे मन्नी भाई व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं। बाबा मैं तो 4 दिन से नहाया नहीं, तुम मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो? ये 4 दिन से नहाया नहीं भाई, नहाना चाहिए ना। स्माइल देखो, स्माइल देखो, स्माइल देखो, कुदरत मरती है कुदरत, बिल्कुल। चलो चलो भाई, जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, चलो जल्दी जल्दी खाना खाएंगे फिर वापस अपना सफर स्टार्ट करेंगे। बहुत भूख लगी भाई, चलो यहाँ पर रुके, अच्छा होटल है तो ऑर्डर कर दिया हम लोगों ने खाना, अभी फ्रेश अप हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी है, रन करना स्टार्ट कर दिया। आज के मेन्यू है हमारा पनीर, मटर पनीर मसाला, दाल पापड़, सैलेड, रोटी। और भूख लगी थी, तब दबा के खाना खाते हैं, फिर दबा के गाड़ी का चम्मच दबा के चलते हैं। तो अभी हम लोग आसाम में एंटर हो चुके हैं और गुवाहाटी की तरफ बढ़ रहे हैं। गुवाहाटी तकरीबन 150 किलोमीटर बाकी है, बट यहाँ का रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा डाइवर्शन है रोड पे और खड्डे भी बहुत ज़्यादा है। बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ पे अभी ड्राइव कर पा रहे हैं, तो ये है कि समहाउ हम अगर स्लो चलेंगे तो अपना 150 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग कवर कर देंगे। अभी तकरीबन बज रहे हैं 9:45, तो डेस्टिनेशन है वो बहुत दूर है। और यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ना कोई ढाबा है, ना कोई चाय वाय की दुकान है, तो बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि बहुत ही सुनसान रास्ता है। तो अगर आप लोग कभी भी यहाँ से निकलो तो दिन में ही ट्रैवल करना, रात को मत करना, बहुत सेफ रहोगे। सॉरी बीप बीप, ये अश्लील लौंडा। देख लो गौर से, देखो इसकी शक्ल गौर से, देखो ये मासूम सा बेबी, ये बेबी नहीं है, ये बाबा है।
ये खूब सारा बेबी करके बाबा है। ये लोगों को भ्रमित करता है, बेवकूफ बनाता है, इसकी भोली शक्ल से ना जाए, इसकी भोली शक्ल पे ना जाए। ये पासवर्डों की चोरी कर रहे हैं, ये फोन के लॉक खोल खोल के। पैसा गायब, पैसा गायब, पेटीएम से पैसा गायब, सिर्फ 0 रुपीज थे इनके पेटीएम में, हमने गायब कर लिए, गायब कर लिए बिल्कुल। अच्छा वॉलेट छूट गया मेरा, तो फायदे में बच गए हैं तुम, वरना पता चले तुम इधर सो रहे थे पीछे आराम से और ये इधर तुम्हारे फोन से पेटीएम से डायरेक्ट ट्रांसफर। पेटीएम करो भाई, अच्छा हुआ ना वॉलेट नहीं मिला तो भाई फ्लाइट करके चला जाता। सही बात है, मतलब अभी तो उड़ाते हुए लेके जा रहे ही है ना, क्यों है ना। तो अभी आपकी ड्यूटी है कहाँ तक चलाने की भाई साहब? भाई 15 मिनट का मेहमान हो रहा है। नहीं यार वैसे चला लेता गाइस, बट पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, थोड़ा मेरे को आईज की विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है और मुझे हाईली फोकस करना पड़ता है उस चक्कर में, तो आई एम फीलिंग सम मोर अनकंफर्टेबल इन नाइट राइड्स। दूरबीन ले दो, दूरबीन दे दो इनको, नाइट विजन गॉगल दो इनको, क्या नाइट विजन गॉगल, चश्मा ले दो, राइट पहुंच गए सरपांगुड़ी टू गुवाहाटी, अभी गुवाहाटी हाईवे पे और सरपांगुड़ी हम लोग पहुंचे अभी, और अभी हम लोगों को डीजल डलवाना था क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि आगे वाले हाईवे पे कोई पेट्रोल पंप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिससे हम लोगों ने सोचा कि अभी डीजल फुल करवा लेते हैं। अच्छी बात बताइए, यहाँ पे जो डीजल का रेट है वो है 85.16 पैसा, मतलब MP से भी सस्ता, और अगर हम जो दूसरे अभी स्टेट से होते हुए आए हैं, UP से आए हैं, बिहार से आए हैं, वहाँ से भी सस्ता यहाँ पे डीजल है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सफ़र चल रहा है ऐसे ही, बहुत ज़्यादा हैक्टिक है क्योंकि अभी हम ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर से ज़्यादा कवर कर चुके हैं, अभी भी हमें तकरीबन 800 किलोमीटर और कवर करना है, तो मत उंगली करो। ये देखो डिस्टर्ब कर रहे हैं यार ब्लॉग बनाते हुए, उंगली कर रहे हैं मुझे, ये देखो ये उंगली है, ये उंगली से हॉर्न बजता है, देखो हाँ ये देखो ऐसे नहीं बजता, ठीक है ठीक है, करनी पड़ती है, करो तुम फोन पे बात करो फिर हम उंगली करते। The next morning. Good morning everyone. Good morning from Shillong Highway. अभी बज रहे सुबह के 6:45 और धूप देखो, सूरज मामा इतना तेज चमक रहा है, देख रहे हो आप? टाइम क्या हो रहा है? टाइम बताओ क्या हो रहा है? 5:50 और सूरज देखो कैसा चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि सुबह के 8-9 बज गए। हाँ बाबा 8-9 बज गया ऐसा लग रहा है। और अभी हम लोग जब ऊपर चढ़ के आ रहे थे तो इस तरीके का फीलिंग आ रहा था, इतने प्यारे प्यारे नज़ारे दिख रहे थे पूरा धुंध में, बहुत अच्छा लग रहा था। गुवाहाटी की तरफ से निकल के अभी कितना चल गए होंगे हम? 100-150 किलोमीटर हम लोग कवर करें, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी था गुवाहाटी से निकले थे। पहाड़ में ऐसा लगता है कि हम 100 किलोमीटर ना 200-250 किलोमीटर। हाँ तो अच्छा लग रहा है, मैं और मन्नी भाई दोनों चाय पीने बैठे हैं। बेचारा सो नहीं पा रहा है, ज्यादा दर्द हम सुनेंगे नहीं, टेंशन मत लो, चाय पी रहे हो चाय पियो और आगे बढ़ो, अभी इन दोनों को पीछे शिफ्ट करेंगे, लीवर सड़ जाएगा, चाय से लीवर सड़ जाएगा, काला हो जाऊंगा काला। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, पता है क्यों? क्योंकि इतना अच्छा व्यू हम लोगों को देखने को मिल रहा था, इसलिए हम लोग रुक गए, कोशिश कर रहे थे हम लोग और पहले रुक जाए, बट
जो टर्निंग के कारण हम लोग वहाँ पर रुक नहीं पाए, तो यहाँ पर हमें स्पेस मिली और यहाँ से ये व्यू भी इतना अच्छा मिल रहा था तो हम लोग यहाँ पर रुक गए। मनी भाई बोलते मेरा फोटो यहाँ पर आना चाहिए, उन्होंने ठीक है भाई आपका फोटो आएगा। वो फोटो खींचता कहूँ अच्छी नहीं आती इसलिए फोटो नहीं खींचे ना मेरे आपके फोटो वो खींचे यहाँ पर कहते अरे यार ये तो गलत बात बोल रहे हो यार। अच्छे अच्छे क्या होते हैं इंस्टाग्राम पे जाके देखना मन्नी स्टंट्स पे अच्छा है कि नहीं आए, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी चले जाना राहुल शर्मा स्टंट करके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पे जाके देखना। चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, ये जो चिप्स के रैपर्स और कवर्स या ये पॉलीथीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें डाल देते हैं ना कचरा, ये प्लीज़ मत करा करो, क्योंकि इससे नेचुरल जो ब्यूटी है जो नेचर है वो ख़राब होता है। ठीक है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, अगर आप लोग कोई भी पहाड़ों में जा रहे हैं या पहाड़ों में ही रहते हैं तो जितना हो कचरा पहाड़ों में ना फैलाएं, नेचर को ख़राब ना करें। फिर वापस चलते हैं, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग ब्रो, गुड नाइट ब्रो, गुड नाइट, सो रहा हूँ, स्लीपिंग ओके। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए हम लोग होटल राजस्थान में, और अभी अगरताला बचा हुआ है 330 किलोमीटर के आसपास, और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, तो ब्रेकफास्ट कर लिया जाता है, ऑर्डर कर दिया था, ब्रश वगैरह करना था इसलिए हम लोग रुके थे, एक अच्छी खासी जगह है ये, अच्छा होटल है। तो हमारे मन्नी भाई और हमने आलू का पराठा और चने की सब्जी साथ में चाय। बाकी मन्नी भाई और बताओ कुछ कैसा लगा अभी का एक्सपीरियंस? बहुत खतरनाक वाला है, बंटी गाड़ी के अंदर सो रहा है, टोरी भाई भी सो रहे हैं और मन्नी भाई भी सो रहे थे, मैं अकेला ड्राइव कर रहा था सुबह। क्रेडिट लेना पड़ रहा है क्योंकि वे झपके भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी दिनों से, रोक लो रशअप होते हैं उसके बाद मैं अच्छा सा नाश्ता करते फिर वापस जाने का। तो चलो मिलते हैं फटाफट। सबसे ज़्यादा ऑल्टो मेरे जीवन में मैंने आज देखी है ना तो वो यहाँ देखी है, मेघालय में देखी है सबसे ज़्यादा, और ऐसी ऐसी ऑल्टो देखी है जो हमने कभी भी सोचा ही नहीं होगा कि यार ऐसा भी मॉडिफिकेशन हो सकता है ऑल्टो में 800 में इन सब गाड़ियों में। वहाँ पंगा तो हुआ है अच्छा खासा, तो अभी दिखाता हूँ मैं, और बनो उस्ताद ट्रक ना मजे ला रहे सी जब एड़ता ट्रक में, नई की नई गाड़ी नहीं गई, नई की नई गाड़ी भीड़ थी, और वो लेडी ड्राइवर थी तभी लेडीज के लिए, मतलब तभी मैं सोचूं ट्रक वाला बच कैसे गया बेचारा, कहां बच गया ये ट्रक, बंदे नु बनने की जा। तो अभी आप लोगों ने जो टनल देखी ना उसके पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभी हम लोगों ने टनल जस्ट क्रॉस करके हम लोग रुके और यहाँ पे हमें देखने को मिला है बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, बहुत ही प्यारा था, ये देखो ऊपर झरना पूरा बहता हुआ और ये हमारे मिस्टर टोनी नहाते हुए। अब भाई हमारा प्लान है इसमें नहाने का, नहाएंगे रेडी होंगे फिर वापस निकलेंगे। बाथिंग टाइम This is real traveling life guys. Natural bathing हो गई है complete. कहाँ पे हुई है? यहाँ पे. Oh. इस खूबसूरत से झरने पे. Yeah. मनी जी अपने आप को सुखाते हुए. Wow man. शर्माते हुए भी. तो दोस्तों लैंडस्लाइड हो गया है यहाँ पे. अभी एक पीछे भी लैंडस्लाइड हुआ था. अब उसमें पूरा पेट्रोल पंप नष्ट हो गया, तबाह हो गया पूरी तरीके से, और एक ये यहाँ से हुआ है ऊपर से, तो अभी ये क्रेन के थ्रू डंपर में भर रहे हैं ये, ये देखो वहां से हुआ है ऊपर से भयंकर हुआ है, और यहाँ पर पूरी लंबी कतार लगी हुई है
ट्रकों की लाइन लगी हुई है, एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्लोज है। अब हम लोग निकल गए, अब ये वाले ट्रक आगे जाएंगे। इनसाइड पे पूरे टी गार्डन है, मतलब चाय के पकान लगे हुए पूरे, यहाँ पे चाय की खेती होती है, यहाँ से ले जानी बनती है। हाँ अगर आए तो प्योर चाय, प्योर टी। मे बी यहाँ पे मार्केट भी होता है। ये देखो अभी यहाँ पर रुक के फोटो सेशन वगैरह करेंगे और हमारे बंटी भाई को एक बार चेक करना है कि चाय के पेड़ होते कैसे। सो दोस्तों ये है चाय के पेड़ जिन पे चाय की पत्तियां उगती हैं, और ये पूरा बगान है वहां से कम वहां से लेके वहां तक का, ये सब अलग अलग लोगों का बगान होगा, मतलब अलग अलग किसानों का बगान होगा जहाँ पे खेत होंगे उनके, ये जहाँ पे ये चाय की पत्तियां उगाते हैं। बहुत बड़ा जगह है और बहुत सारी चाय की पैदावार होती होगी यहाँ पे, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब चले भाई लोगों के साथ में फोटो सेशन करना है, फोटो सेशन कर लें। Never stop. Yes. Much, much, much later. ये पहले नहीं चल रहा भाई, वो गर्म हो गया ना, उसके टच कर गया ना। हमारी गाड़ी का एसी ने थोड़ा सा धोखा दे दिया हमको, और इसका शायद कुछ वायर कनेक्ट हो गया था जिसके कारण एसी चलना बंद कर दिया था, और गाड़ी हमारी बहुत ओवरहीट हो रही थी। तो अभी ये मैकेनिक वाले भैया हैं, इनसे करवा रहे हैं काम। हमारे मन्नी भाई ने भी थोड़ा साथ देने की कोशिश करी, थोड़ा पकड़ नहीं पा रहे थे क्या समस्या आ रही थी, बट अब होप्स हो गए अब सारी चीज़ें हो जाए सही और वापस से हमारी जर्नी स्टार्ट करें। हाँ हाँ तुमने ही पकड़ी है सारी, खोज करी है मैंने, कार में खोज करी है मैंने। सही है। Many hours later. देखो वापिस आते वक्त ना ये रास्ता दिन में ही क्रॉस करना है, दिन में क्रॉस करना है, इवनिंग में नहीं बाबा, दिन में ही करना पड़ेगा। हाँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के अपन को ये रास्ता क्रॉस करना। हाँ, लेट नाइट वाला पैच नहीं है, रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, और इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी तक जितनी हम लोगों ने जर्नी करी है उस जर्नी में भी ऐसा कोई पैच नहीं आया, बट ये अग्रताला जाने वाला जो रास्ता है, अभी हम त्रिपुरा बॉर्डर में तो घुसे ही नहीं है, अभी हम मेघालय ही बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, और उसमें जो ये अग्रताला जाने वाला रास्ता है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। नाइट में बिल्कुल भी ट्रेवल ना करें इस पे तो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं त्रिपुरा के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहला फ्यूल स्टेशन है जो है इंडियन ऑयल का। यहाँ पे आप आके अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल फुल करवा सकते हो। यहाँ पे एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा माइल फ्यूल भी मिल सकता है, अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आप अपनी गाड़ियों में डलवा सकते हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे फ्यूल इसलिए डलवाना ज़रूरी था क्योंकि हमारी गाड़ी रिजर्व में आ गई थी, और यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर 200 नहीं 150 किलोमीटर का पैच है, और उस बीच में कोई फ्यूल पंप है नहीं, या हम रिस्क भी नहीं लेना चाहते, अगर होगा भी तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते उस चीज़ के लिए। तो अभी पहले फ्यूल अप हो रहा है, और यहाँ पे जो रेट है डीजल का वो 86 है, तो इंदौर के कंपैरिजन बहुत सस्ता है यहाँ पे। नाइट अगर ट्रैवल करते हो इस रूट पे तो आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हो और मॉर्निंग में निकल सकते हो, और मैं यही सजेशन दूंगा कि आप रात को ट्रैवल ना करें इस रूट पे, अगर आप त्रिपुरा असम मेघालय इस तरफ आ रहे हैं तो। द नेक्स्ट डे गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अग्रतला। In 200 meters, turn left. Okay.